देखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार ये एकादशी तिथि 16 जुलाई की शाम 8:33 से आरंभ होकर 17 जुलाई की रात 9:02 तक रहेगी। उदया तिथि होने के कारण 17 जुलाई 2024 को ही देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी की तिथि पर तुलसी तोड़ना मना होता है, इसलिए देवशयनी एकादशी की पूजा के लिए आप 16 तारीख को शाम 6 से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर पानी में रख लें। देवशयनी एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए विश्राम में चले जाएंगे। फिर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, उस दिन को भगवान विष्णु जागृत होंगे। इसी कारण अबोध तिथि को छोड़कर सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों को करने पर इन 4 माह के लिए रोक लग जाएगी। चतुर्मास 17 जुलाई से आरंभ होगा, तब से लेकर 12 नवंबर तक विवाह समारोह, सगाई, मुंडन, बच्चे का नामकरण और गृह प्रवेश आदि सभी मांगलिक कार्य बंद रहेंगे। ये देव उठनी एकादशी से ही दोबारा आरंभ होंगे। देव उठनी एकादशी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिनमें पूजन करना बेहद लाभकारी रहेगा। देव शनि एकादशी के दिन सुबह 7:05 तक शुभ योग बन रहा है। इसके बाद शुक्ल योग का निर्माण होगा। इसका समापन 18 जुलाई की सुबह 6:13 पर होगा। वहीं देव शनि एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। इनका एक साथ होना पूजन और व्रत के लिए शुभ फलदायी माना गया है। 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 4:23 से 6:03 तक रहेगा। शुभ योग सुबह 7:04 तक और उसके बाद शुक्ल योग रहेगा। ये सारे योग शुभ है। आप इनमें एकादशी व्रत की कथा और पूजा कर सकते हैं। 17 जुलाई को राहु काल दोपहर 12 से लेकर 1:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 17 जुलाई बुधवार को रात 9:04 से होगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी गुरुवार 18 जुलाई 2024 को रात 8:44 पर। 18 जुलाई 2024 गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3:00 तक रहेगा। 18 जुलाई को एकादशी व्रत को खोलने यानी एकादशी व्रत का पारण करने का समय होगा सुबह 5:55 से सुबह 8:50 के बीच। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूरी पूजा विधि और एकादशी व्रत को खोलने की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल, पीले फूल, मौसम के अनुसार फल अर्पित करें। अब भगवान की आरती करें और पूरे दिन एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। फिर एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें, जो हमारे चैनल पर भी डाली जाएगी। आप एकादशी के दिन उसे अवश्य सुनें। भगवद गीता के कम से कम एक अध्याय का पाठ इस दिन अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें और हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। आइए अब जाना बेहद आवश्यक है। एकादशी व्रत के अगले दिन यानी 18 जुलाई को सुबह जल्दी उठकर गंगा जल जल में डालकर उससे स्नान करें और फिर सबसे पहले तुलसी देवी को जल और पुष्प अर्पित करें, क्योंकि तुलसी महारानी का एकादशी के दिन व्रत होता है। अत्यधिक गर्मी पड़ने से तुलसी देवी मुरझाने सी लगती हैं, इसलिए सबसे पहले द्वादशी को उन्हें जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी देवी के कुछ पत्ते भगवान विष्णु की पूजा के लिए ले लें। अब विष्णु जी को स्नान और श्रृंगार कराएं, उन्हें तुलसी फल फूल और घर में सात्विक तरीके से बिना प्याज लहसुन के बनाए गए भोग को अर्पित करें। ये भोग मीठा या नमकीन दोनों ही हो सकता है। इस दिन विष्णु जी को मीठे चावलों का भोग लगाना बेहद ही शुभ होता है। आमतौर पर भी द्वादशी के दिन चावल खाना एकदम शुभ माना गया है। अब भगवान की आरती करें और उनसे व्रत के दौरान आपसे अनजाने या जानबूझकर हुई सभी गलतियों को माफ कर देने की प्रार्थना करें। इसके